नमस्कार, मैं हूँ ज्योति सिन्हा। देसवा न्यूज के सुबह सवेरे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज दिन है शुक्रवार, 14 अक्टूबर पंचमी तिथि। आइए अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर, जिस पर है देश और दुनिया की नजर। गुरुवार को हुई नीतीश कैबिनेट की मीटिंग में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने सैप में कार्यरत कुल 3,953 सेवानिवृत्त सैनिकों की अनुबंध अवधि 2022-23 के लिए विस्तारित करने की स्वीकृति दी है। इसके अलावा बिहार के प्रोबेशन निर्देशालय में अतिरिक्त 97 निम्न वर्ग लिपिक, 30 उच्च वर्ग लिपिक और 10 प्रधान लिपिक यानी कि कुल 137 अतिरिक्त लिपिक स्वर्ग के पदों की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा नीतीश सरकार ने दीपावली के पहले राजकर्मियों और पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा दिया है। बिहार सरकार ने इनके महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा किया है। सरकार पहले राजकर्मियों को 34% महंगाई भत्ता देती थी, जो कि अब बढ़कर 38% कर दिया गया है। हिजाब पर कर्नाटक सरकार का प्रतिबंध रहना चाहिए या नहीं, इसको लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने अपनी अपनी राय जाहिर की है। दो जजों की बेंच ने विभाजित फैसला सुनाया है। इस बेंच के अध्यक्ष जस्टिस हेमंत गुप्ता ने सिफारिश की है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश 3 जजों वाली पीठ का गठन करें, ताकि यह तय हो सके कि प्रतिबंध रहेगा या नहीं। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अपने आदेश में कहा कि सरकार के आदेश को साक्षरता और शिक्षा को बढ़ावा देने के राज्य के लक्ष्य के विपरीत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह संविधान के तहत अनिवार्य है। दूसरी जज जस्टिस सुधांशु धुलिया ने कहा कि वह सम्मान पूर्वक असहमत है और प्रतिबंध को हटाने के पक्ष में है, क्योंकि लड़कियों की शिक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इसे लेकर फैसले की घड़ी अब काफी करीब आ गई है। कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुनने के लिए 17 अक्टूबर को मतदान होना है और नतीजे 19 अक्टूबर को मतगणना के बाद आएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव की तिथि जैसे जैसे करीब आ रही है, अध्यक्ष पद के दोनों उम्मीदवार शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे डेलीगेट्स को अपने अपने पाले में करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। शशि थरूर ने कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग बदलाव चाहते हैं वो मुझे जिताएं। शशि थरूर ने ये भी कहा कि जिन्हें लगता है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है वे मुझे वोट ना दें। उन्होंने यह भी कहा कि जो वोटर 2014 और 2019 में चुनाव में दूर गए थे वे आए, कांग्रेस पार्टी में बदलाव लाना चाहता हूँ। भारत में 5G युग की शुरुआत हो चुकी है। जियो और एयरटेल ने अपनी 5G सर्विसेज कई शहरों में लाइव कर दी है। हाल ही में ओकला टेस्ट में जियो और एयरटेल की 5G स्पीड भी सामने आई है, जो काफी ज्यादा है। जल्द ही दूसरे शहरों के नाम भी इस लिस्ट में जुड़ने वाले हैं। फिलहाल जियो 5G के लिए आपको अलग से रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप मौजूदा रिचार्ज पर भी इस सर्विस का फायदा उठा सकते हैं। फिलहाल आप इसे 4 शहरों में ही यूज कर सकते हैं। जियो 5G सर्विस दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी में लाइव हुई है। कंपनी की माने तो अगले साल दिसंबर यानी कि 2023 के अंत तक कंपनी सर्विस को लगभग पूरे देश में एक्सपेंड कर लेगी। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले कई महीनों से तनाव की स्थिति बनी हुई है। क्रीमिया ब्रिज पर हुई अटैक के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने अटैक की रणनीति में बदलाव किया और यूक्रेन पर कई मिसाइल दागे। अब रूस की ओर से दी जा रही है खुली चेतावनी, दुनिया भर में खलबली मच चुकी है। नाटो में यूक्रेन के प्रवेश के परिणाम स्वरूप तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। रूसी संघ की सुरक्षा परिषद के उप सचिव अलेक्जेंडर ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर यूक्रेन अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो मिलिट्री अलायंस का हिस्सा बनता है तो फिर यह निश्चित तौर पर वर्ल्ड वॉर 3 की ओर ले जाएगा।
आइए अब बात करते हैं आज के सुविचार की। समय रहते खुद को बदल लेना चाहिए। जब समय हमें बदलता है तो तकलीफ बहुत होती है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए देशवा न्यूज के साथ। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।